हाय हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इसके पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े थे, और आज इस क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं किस सेंस में यूज किया जाता है, ताकि हमें अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, तो उसे करने में कहीं समस्या ना हो। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यह दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है कि कुछ पास्ट में शुरू हुआ एंड कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, और दूसरा कोई काम हुआ तब तक जारी था। यानी कि पास्ट में जो दूसरा कोई काम हुआ तब तक जारी था। फिर से एक बार समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और जारी रहा कब तक, जब तक कि दूसरा काम पास्ट में हुआ तब तक जारी रहा। तो वैसे सेंस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, दिस इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित होता है। हाउएवर द ड्यूरेशन डज नॉट कंटिन्यू अंटिल नाउ। यद्यपि इसमें ये बात होती है कि जो ड्यूरेशन होता है वो प्रेजेंट तक नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट तक यानी अभी तक ड्यूरेशन रहता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में कोई काम होता है वहाँ तक कंटिन्यूएशन जो होता है वो होता है, लेकिन प्रेजेंट में नहीं होता। लेकिन वहीं हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसमें क्या होता है कि मतलब वर्तमान में जब हम बोल रहे होते हैं उस समय तक वो ड्यूरेशन रहता है। इट स्टॉप्स बिफोर समथिंग इज इन द पास्ट। लेकिन पास्ट में क्या होता है कि यह तब खत्म हो जाता है जब पास्ट में दूसरा काम जो घटित होता है तो वहां तक ड्यूरेशन रहता है और वहां आकर के वो खत्म हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है कि प्रेजेंट में मतलब कि बोलने के वक्त तक वो ड्यूरेशन रहता है। तो यही अंतर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। यह एग्जाम्पल्स देख लीजिए, यहाँ पर है कि दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बिफोर रवि अराइव। मतलब कि वे एक घंटे से बातें कर रहे थे, जब रवि आया तो उसके पहले की बात कर रहा है कि रवि के आने के पहले तक वे एक घंटे से कोई ड्यूरेशन क्या था, कंटिन्यू था, कोई कार्य हो रहा था और तब तक पास्ट में दूसरा काम हुआ, रवि का आना हुआ तो यहाँ तक चला। यानी कि कोई काम शुरू हुआ था पहले और चला कहाँ तक, तो एक पास्ट में काम होने तक चला है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला जो काम चला है कंटिन्यू रहा है उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर देखिए दूसरे एग्जाम्पल में, यहाँ पर किसी हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी, मतलब वो उस कंपनी में काम करती रही थी फॉर 3 years, 3 सालों से। व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस, मतलब कि जब ये मतलब कंपनी क्या हो गई, वो बंद हो गई। तो जो कंपनी बंद हो गई तो ये दूसरा काम हुआ पास्ट में, उसके पहले वो कितना दिन से काम करती रही थी, तो 3 सालों से काम करती रही थी। तो ये कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, मतलब कंटिन्यूटी दिखा रहा है, एक ड्यूरेशन दिखा रहा है 3 साल का, और कब तक दिखा रहा है, जब तक कि पास्ट में कोई दूसरा काम नहीं हुआ तब तक दिखा रहा है। तो ऐसा कोई कंटिन्यूटी दिखाए यानी ड्यूरेशन दिखाए जो पास्ट में हो रहा हो और फिर दूसरा काम जब पास्ट में होता है वहां तक चले, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। और जो उसके बाद मतलब ड्यूरेशन के बाद एक काम होता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर भी दिया गया है, और जो इस प्रकार है कि यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर को, पॉजिटिव क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस या बीन प्लस गिवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। आपको फॉर या सिंस के लिए अगर देखना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने पढ़ाया है, फॉर या सिंस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 यानी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम होता है। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के पैटर्न की तरफ। यहाँ देख सकते हैं आप कि नेगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या सिंस प्लस टाइम, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम होता है। अब इसका यूजेज देख लेते हैं, यूज क्यों इसका किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, यानी कि कोई चीज किसी चीज का कारण बताने के लिए, पास्ट में किसी चीज का कारण बताने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। यानी देखिए यहाँ दिया गया है कि यूजिंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिफोर अनदर एक्शन, यानी कि किसी दूसरे काम के पहले अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं इन द पास्ट, कोई मान पास्ट में, इज ए वे
इज वे टू शो कॉज एंड इफेक्ट। तो ये परिणाम दिखाने के लिए या कॉज कारण दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, मतलब कि अगर हमें कारण या परिणाम दिखाना होता है, इफेक्ट दिखाना होता है, तो अगर प्रभाव दिखाना होता है और या कॉज दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए पास्ट के मतलब पास्ट में जो दूसरी घटना हुई है उसके पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब हमें कॉज या इफेक्ट दिखाना होता है। तो जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। बिकॉज क्यों? क्यों? क्योंकि ही हैड बीन जॉगिंग, क्योंकि वो दौड़ रहा था, जॉगिंग करता रहा था, इसलिए वो थका हुआ था। तो ये कॉज क्या है थकने का? तो थकने का कॉज क्या है? तो वो क्या कर रहा था, यानी जॉगिंग कर रहा था। तो इफेक्ट को दिखाने के लिए, कॉज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरे जो एक्शन है, यानी कि जो दूसरा एक्शन हुआ है पास्ट में, उसके पहले ये कॉज दिखाता है और इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, मतलब कि कहने का अर्थ ये हुआ कि दूसरा जो एक्शन है उसका कॉज या इफेक्ट दिखाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सी गेंड वेट बिकॉज ही हैड बीन, या सी होगा, देखिएगा, ही गेंड वेट बिकॉज, या सी हो जाएगा, छूट गया है। सी गेंड वेट बिफोर सी हैड बीन ओवर ईटिंग, मतलब उसे उसका वजन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत अधिक खाती रही थी। यानी पहले कारण क्या है वजन बढ़ने का, यानी कि वो उसका कॉज क्या है, तो बहुत अधिक खाना है। तो देख लीजिए कि यहाँ भी क्या किया जाता है कि कॉज या इफेक्ट दिखाने के लिए, पास्ट के किसी काम जो काम हुआ है उसका कॉज या इफेक्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कोई समस्या नहीं हुई होगी। हम लोग आगे मिलेंगे अगले टेंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।